हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2019। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर फोर्थ है, जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स। और ये पेपर भी 40 मार्क्स का हुआ है रेगुलर के लिए और 50 मार्क्स का प्राइवेट के लिए। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते तब भी ये पेपर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अगर आपका ये पेपर का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इससे ले सकते हैं। ये पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसमें भी टू सेक्शन होते हैं तो पेपर स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन और सेक्शन ए के अंदर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स 100 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1, गुट निरपेक्षता की नीति के मुख्य उद्देश्य लिखिए। पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। वर्तमान समय में भारत रूस संबंधों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 1962 के भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वर्तमान में भारत पाक संबंध की विवेचना कीजिए। तमिल समस्या एवं भारत श्रीलंका संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत भूटान संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नेपाल के विकास में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका समझाइए। भारत की आणविक नीति समझाइए। अब आ जाता है आपका सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इच क्वेश्चन 5 मार्क्स 600 से 700 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। वर्तमान में भारत अमेरिका संबंधों की विवेचना कीजिए। 21वीं सदी में भारत चीन संबंधों की समीक्षा कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के क्या कारण हैं? भारत पाक के मध्य संबंध सुधारने के प्रयासों की विवेचना कीजिए। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। भारत एवं नेपाल के बीच मतभेद एवं सहयोग के बिंदुओं की विवेचना कीजिए। सार्क के उद्देश्य लिखिए एवं सार्क में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का वर्णन कीजिए तथा भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के प्रश्न की या प्रश्न का परीक्षण कीजिए। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।